तो भाई सीन कुछ यूं है कि भाई ये जो है ना अभी दोपहर हो रही है, इतनी तड़पती घड़पती धूप हो रही है यहाँ पर, और अभी हम शावर वगैरह लेकर आए पंप से जाके, मैं और इस्माइल, ठीक है। और यहाँ जो है ना सनोबर आनी खाना पका रही है हमारे लिए दोपहर का। क्या बना रही हैं आप? ये मसर दाल, काली दाल आनी हमारे लिए बना रही है। हम लोग इनके साथ आज का सुबह का खाना, और मतलब सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना जो है ना आनी की तरफ से था। रात में क्या बनेगा? रात का ही ये समझ। दोपहर और रात दोनों डबल हो, सही। तो भाई अभी हमारी दाल जो है ना इन प्रोसेस है, जब बनेगी तो हम कल आपको दिखाएंगे कि भाई कैसी बनी। अभी जो है शाम में हम लोग वो स्नैक्स खा लेंगे, चाय के साथ भी खाएंगे। सही है। ओके, तो अभी जो है ना हमारा खाना बन रहा है, क्योंकि हमने सुबह नाश्ता किया था 10 बजे। अब बारी है खाने की, तो खाने का वेट करते हैं जब तक, जैसी आती है शक्ल आपको दिखाते हैं क्या बनाती है आनी, ठीक है। मजे की दाल खाएंगे। हे व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? होपफुली आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। दिस इज मी कराची की लड़की, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, वेलकम बैक टू कराची की लड़की व्लॉग्स। तो भाई यहाँ जो है ना आनी कर रही है दाल की घुटाई, दिखाया आनी। नाइस। अभी क्या करना है आपने इसमें? अभी इसको नीचे डाल के इसको खूब घुटाई करेंगे, उसके बाद बघार लगेगा, ठीक है। अभी हम लोग जो है ना बघार का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। अभी आनी बघार लगाएंगी, उससे पहले आनी ने पकोड़ों का इंग्रेडिएंट तैयार किया है, और आनी ने कहा इसमें बनने में तो टाइम लगेगा, इसलिए वो जो है ना मैं पहले क्या खिलाने वाली है, पकोड़े। क्योंकि दाल चावल में टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी सिलेंडर पर बना रहे हैं ना गाँव में, तो उन्होंने कहा पहले हम लोग पकौड़े छकौड़े खाते हैं, स्नैक्स वगैरह लेते हैं थोड़े, उसके बाद दाल और चावल खाएंगे, ठीक है जी। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि कब पकौड़े बनाओ, कब हमारे पेट में जाए। तो भाई यहाँ पर घुटाई लगाने का काम आनी ने मुझे दे दिया, देखो यहाँ घुटाई लग रही दाल की। मम्मा देख लो, यहाँ की काम कर रही हूँ मैं। बेटा व्लॉग के लिए कर रही हूँ काम। हाँ, सिर्फ व्लॉग के लिए कर रहा है। तो भाई मैं लेने गई थी हमारा चाट मसाला, क्योंकि पकौड़े जो है ना वो रेडी हो चुके हैं, आनी जो है ना पकौड़े बना लिए, स्नैक्स मैंने जैसा कि आपको बताया। तो ये लीजिए आपका चाट मसाला। मैं एक बात बताऊं जी, लू जाती हूं फिर हूं आती हूं आनी और आनी का वो बाइक टिक जाएगी जगह। तो भाई ये पकौड़े आनी बना रही है, लवाजमात तैयार कर रही है हमारे लिए, देख सकते हैं आप लोग कितना टेस्टी बना रही है, चेक करो। बस अभी बना है नहीं, फौरन खाना शुरू, कौन खाना शुरू। एक ये काम चोर हमारे, मगर आनी को इतना मजा आ रहा है ना खाना बनाने में, है नहीं? ये सुबट्टी आ रही है, अभी बैठूट नहीं हो रही। हाँ ये तो है, आनी मजा आ रहा है खाना बनाते हैं। आनी का जो किचन है ना, वो मतलब ऐसा है कि कहीं भी चले जाता उठ के, चलता फिरता। हाँ, चलता फिरता किचन, नाम ये रख दो, चलता फिरता किचन। सनोबर का चलता फिरता किचन, वो क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट किचन है, नजर ही नहीं आता भाई कौन सी चीज कहाँ है, बस उठाओ सामान और निकल जाओ कहीं भी। भाई यहाँ हमारे स्नैक्स रेडी हो चुके हैं, पकोड़े प्लस पकोड़े वाली पापड़ी, मतलब सीन्स कुछ यूं है कि ये देखो, ये पकाया आनी ने पकोड़ा, ठीक है। आप ही गैस जलाइएगा, गांव के पकोड़े मतलब गांव के तो हैं लेकिन आनी के हाथ के हैं, स्पाइसी है, फुल स्पाइसी, मज़ेदार, सब बहुत आउट क्लास है। चलो जी पहले पेट पूजा करते हैं, ठीक है जी। इसमें आपको मिलते हैं 10 out of 10 आनी, बड़े मज़े के बने, ठीक है जी। तो पहले पेट पूजा, बाद में कोई काम पूजा, पहले जल्दी जल्दी खा पी लेते हैं, देन हम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चे सारी में निकाल लेते हैं, नमक और दाल चावल के साथ, जब तक ये ना खाए ऐसा मजा हो, मजा ही नहीं आ सकता। इधर लाओ कैमरा, ये आ गया लीमू, ये चाट मसाला, ये स्पेशल कबीर भाई के लिए बनी है। मिर्चें तैयार, अब इसको ढकना करके रखेंगे और अब बनाएंगे चावल। सो गाइस सीन कुछ यूं है कि भाई हमने जो है ना अपना स्नैक्स खत्म कर लिए थे, लेकिन अभी दाल चावल बनने में थोड़ा सा टाइम है, तो हमने सोचा कि ना वो रात में खा लिए जाए।
अभी जो है ना हम चुपके से किसी की छत पे चढ़ गए हैं, ठीक है, हमें पता नहीं, क्योंकि यहाँ गांव के घर ऐसे होते हैं, देखो ये एक घर है, ये दूसरा घर है, मतलब सबके घर जो है ना साथ साथ होते हैं। तो हम किसी की छत पे चढ़ गए, मैं और इस्माइल चुपके से, हमने बोला किसी को बगैर बताया जो है ना ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है, और बाकी ये सब अभी हमें देख रहे हैं, हम चुपके से ऊपर चढ़ गए। अच्छा जी, तो यहाँ से जो हमें पूरा गांव का व्यू नज़र आ रहा है ना, आए हाय ओए होए बदोबदी बदोबदी, बड़ा मज़ेदार व्यू नज़र आ रहा है, ठीक है, ये चेक कर सकते हो आप लोग। यहाँ हम छत पे खड़े हैं, ये रहा इस्माइल, इस्माइल ये रहा इस्माइल, अब ये देखो यहाँ से ये गाय, ये देखो गाय बकरियाँ भैंसें जो भी खड़ी हुई यहाँ से नज़र आ रही हैं, ठीक है, और ये देखो व्यू चेक करो गाइस, व्यू चेक करो। अच्छा, यहाँ पर गांव में पता क्या सीन है, जिसके घर में सोलर होगा वो बड़ा अमीर आदमी है। देखो ज़रा कराची के लोग तो हर एक घर में कुछ ना कुछ, और यहाँ गाड़ी होगी किसी के पास तो वडेरा है भाई। वाह, कैसा लगा इस्माइल, व्यू कैसा है? अच्छा है, मेरे को डर लग रहा है नीचे कैसे गए। वो तो टूट गए। कौन टूट गया? हाँ वो पत्थर टूटा था, अभी आ जाओ वापसी आ जाओ। तो गाइज हम लोग पता किस बात से डर रहे हैं, हम ऊपर तो आ गए लेकिन इससे जो है ना एक पत्थर टूट गया था ऊपर चढ़ते टाइम, क्योंकि हम जल्दी में जज्बात में चढ़े, किसी को पता ही नहीं था, हम ऊपर चढ़ गए। अब हमें नीचे उतरने का डर है, इसलिए अभी हम छत पे घूम रहे हैं, क्योंकि हमें नीचे उतरने का डर है कि कुछ और ना गिर जाए या हम ना गिर जाए, क्योंकि हम बड़ी मुश्किलों से ऊपर चढ़े हैं। गाइज चोरी छुप के आने का हमारा ये सीन है, इस्माइल गाइस इतनी मुश्किलों से जा रहे हैं हम यहाँ पर, और हम फंस चुके हैं बिल्कुल। मैं यहाँ बैठी हुई देख रही हूँ, स्माइल उतरा तो मैं उतरू क्या? वो देखो स्माइल पहुँच गए। मैं आ जाऊँ? आ जाऊँ? मैं तो बढ़ गई हूँ ऊपर आके, डर लग रहा है कि नीचे कैसे जाऊँ। हाँ वो देखो पहुँच गया। अब मुझे कौन लेके जाएगा यहाँ से? देखो कहाँ फंसा के गया मुझे ये, है क्रेन मंगवा रहा है क्या मंगवाएगा? चलो नीचे उतरने की कोशिश करते हैं, मेरा मोबाइल भी है तो थोड़ा संभाल के उतरना पड़ेगा। इस्माइल फाइनली उतर चुका है नीचे, और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मैं बढ़ चुकी हूँ गाइस, मेरी इतनी ज़्यादा कोई डर लग रही है, नहीं फट रही है मेरी कश्म, इतनी ज़्यादा समझ नहीं आ रहा कि नीचे उतरूँ कैसे। वो देखो, ये देखो टैलेंटेड लड़की कैसे आ रही है, तुम्हें एक्सपीरियंस है ऊपर आने का? गाइस ये लोग असल में डेली आते हैं, डेली ऊपर चढ़ते हैं, डेली नीचे जाते हैं, हमारे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, हम वहाँ घर के घर में ही रहते हैं ना, हमारी लकड़े सीढ़ियाँ हैं लेकिन थोड़ी मजबूत वाली हैं, यहाँ तो कुछ पता ही नहीं होता। नीचे उतरो बेटा, मुझे नीचे आना है, अल्लाह वाले। ये मोबाइल ले जाओ साथ, मैं इसको मोबाइल देती हूँ। चलो जी, अब हम जो है ना किसी और जगह पे जा रहे हैं, लड़कियां हमारे इंतजार कर रही हैं। चलो तो जी, इसी के साथ जो है ना हम अब आज का व्लॉग यहीं पर ही करते हैं एंड, क्योंकि यहाँ जो है ना थोड़ा सा भी मतलब मगरिब का टाइम होना शुरू होता है तो यहाँ बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, और सब अपने अपने घर चले जाते हैं सोने के लिए, और यहाँ की जो लाइट है वो आती है तकरीबन 1-2 बजे, जब हमारे सोने का टाइम होता है तब यहाँ लाइट आती है, तो हमारे मोबाइल वगैरह भी चार्ज नहीं होते। तो भाई अंधेरा होने से पहले मैंने सोचा क्यों ना ये व्लॉग यहीं पर ही एंड कर दिया जाए, तो भाई हम लोग करने वाले हैं यहीं पर ही अपने व्लॉग को एंड। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई है, नहीं भी आई है तो भाई लाइक कमेंट शेयर करना आपका बनता है, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि न्यू आने वाले व्लॉग, ट्रिप के व्लॉग, गांव व्लॉग आपको सब मिलते रहे टाइम टू टाइम, ठीक है जी। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग, नेक्स्ट एक्साइटिंग व्लॉग के साथ, बड़े मज़ेदार व्लॉग्स मिलने वाले। और अगर आप लोग यहाँ गाँव में कुछ देखना चाहते हैं तो मुझे लाजमी बताइएगा, हम आए बलोचिस्तान के एक एरिया, क्या नाम है उसका? मियनगोट। हम आए मियनगोट, तो आप लोगों ने मियनगोट में क्या क्या देखना है, क्या क्या देखना चाहते हैं, तो आप मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा ताकि मैं एक्सप्लोर करूँ चीज़ें आप लोगों के साथ साथ। तो भाई अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे बहुत सारा याद रखिएगा, आपकी कराची की लड़की मिलती है आपको एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ, लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा, ख्याल रखिएगा ना बहुत सारा।